हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि पिता की संपत्ति में अगर आपको हिस्सा ना मिले तो आपको उस स्थिति में हिस्से को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कानूनी उपाय है इसके लिए, तो इसी को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, यह मामला बहुत देखने को मिलता है समाज में, गांव घर में खासकर ज्यादा, कि एक व्यक्ति के चार बेटे हैं। अब कोई बेटे क्या होता है कि नालायक निकल जाता है, वो शराबी निकल जाता है। अब उस स्थिति में क्या होता है, पिता क्या करते हैं, तीन बेटे को अपने हिस्सा दे देते हैं, एक बेटे को नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में यदि वह बेटा जो है वो अपना हिस्सा पिता की संपत्ति में प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसके लिए आपको जानना जरूरी ये है कि संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संपत्ति होते हैं। तो देखिए, इस मामले में संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि पैतृक संपत्ति। दूसरा होता है पिता के द्वारा स्व अर्जित संपत्ति, जो हमारे पिताजी ने खुद संपत्ति को अर्जित किया है। तो अब जो पैतृक संपत्ति है, जो मेरे पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति है, उस संपत्ति में हिस्सा मेरे पिताजी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें उनका कोई भी राय विचार नहीं चलेगा। पैतृक संपत्ति जो होता है, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें सभी का अधिकार होता है। तो उसमें यदि पिताजी चाहें भी कि चार बेटे में से एक बेटे को नहीं दे हम हिस्सा, क्योंकि यह नालायक है, यह संपत्ति को बर्बाद कर देगा, और तीन को दे दे, तो ये नहीं चल सकता है, उनको चारों को देना ही पड़ेगा। दूसरी होती है कि पिता द्वारा स्व अर्जित संपत्ति या उसके माँ के द्वारा कोई संपत्ति खरीदा गया है, उसके मम्मी के नाम पे है, तो वह संपत्ति। तो देखिए, जो उसके पिता के द्वारा संपत्ति अर्जित किया गया है, उसने स्वयं की कमाई से वह संपत्ति खरीदा है या उसके मदर के नाम से है, तो उस संपत्ति में पिता का ही अधिकार चलेगा। यदि पिता चाहे तो वह एक बेटे को उस संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे मरने के बाद यह संपत्ति को बर्बाद कर देगा या बेच देगा, सारे पैसे का दुरुपयोग करेगा। तो इसीलिए वह यदि उसको चाहे तो वो बेदखल कर सकते हैं अपनी संपत्ति से, जो संपत्ति पिता ने अपने कमाई से खुद खरीदा हो, लेकिन पैतृक संपत्ति से वो बेदखल नहीं कर सकते हैं। पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति खरीदा गया है, पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति छोड़ा गया है, उस संपत्ति में सभी व्यक्तियों का, सभी बेटों का अधिकार होगा। अब बात आती है कि इसके लिए पिता को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पिता यदि जीते जी यदि ये चीज नहीं किए तो मरने के बाद तो फिर चारों बेटों का अधिकार होगा। तो इसके लिए पिताजी क्या करते हैं कि उस संपत्ति का वसीयत बना देते हैं। अब वसीयत में तीन बेटों को बराबर बराबर हिस्से में या जिस अनुपात में उनको लगता सही है, उस अनुपात में तीन बेटे को हिस्सा दे देते हैं, एक बेटे को नहीं देते हैं। तो जिन बेटों को नहीं देते हैं तो उनके मरने के बाद उन बेटों को पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। वह यदि चाहेगा भी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए या कहीं भी जाए, उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पिता ने जीते जी तो संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाया, अब विल नहीं बनाया, उन्होंने संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया अपने तीनों बेटों के नाम पे, तो उस स्थिति में पिता का क्या होता है कि यदि मृत्यु हो जाता है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उनके मरने के बाद चारों बेटों का समान अधिकार उस संपत्ति पे होगा, क्योंकि उसने कोई वसीयतनामा नहीं बनाया है, कुछ डिक्लेरेशन करके नहीं गया है कि इस संपत्ति में किन किन बेटों का अधिकार है या बेटियों का अधिकार है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि संपत्ति कौन सा है। हमारे पिताजी ने उस संपत्ति को खुद अपने कमाई से खरीदे हैं, या वह संपत्ति हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया संपत्ति है, हमारे पूर्वज यानी दादा परदादा ने हमारे संपत्ति को छोड़ा है, उनके द्वारा खरीदा गया संपत्ति है। तो यदि पैतृक संपत्ति है, पूर्वज द्वारा खरीदा गया संपत्ति है, तो उस संपत्ति में यदि आपके पिताजी चाहे कर भी आपको बेदखल नहीं कर सकते हैं, उनको हिस्सा उसमें देना ही पड़ेगा।
चाहे उस संपत्ति को आप बर्बाद करें या अपने पास सही से उस संपत्ति का उपयोग करें। लेकिन यदि आपके पिताजी ने खुद की कमाई से संपत्ति खरीदा है तो आप कितना भी जबरदस्ती करिएगा, कुछ भी कीजिएगा, यदि उनका मन नहीं होगा तो आपको संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाए या जहां भी जाए आपको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यह चीज आपको क्लियर करना है कि अपने माँ बाप से मिलके रहिए, अपने माँ बाप का सेवा कीजिए और उनसे अपने संपत्ति जो है उनके द्वारा उसमें भी अपना हिस्सा लेने के लिए तत्पर रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।